हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 10 मार्च 2020 के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है ऑयल्स राउट। द फॉलिंग प्राइसेस में ब्रिंग चीयर बट इंडिया विल हैव टू डील विद स्लो ग्लोबल स्लो डाउन। कोरोना वायरस चल रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन है। चाइना ने ऑयल जो डिमांड है उसका 1/3 तक वो कर दिया है। स्लो डाउन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो डाउन टर्न में है। इसका इफेक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ेगा, तो इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। इसी बीच जो है एक खुशी की लहर यहाँ पे आती है जब पता चलता है कि ऑयल की डिमांड कम होने की वजह से ऑयल के प्राइसेस घट जाएंगे। और ऑयल के प्राइसेस अगर घट जाएंगे तो देश में, भारत में जो मिडिल क्लास जो कंज्यूमर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं एक्सपोर्ट से, या यू कह लो कि इम्पोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट से, तो हमारा डेफिसिट बढ़ जाता है। पर चूंकि ऑयल की कीमत अब कम हो रही है तो हमारा इम्पोर्ट की जो बिल है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। एक्सपोर्ट तो डूब रहे हैं हमारे स्लो डाउन की वजह से, लेकिन इम्पोर्ट भी जो है अब इतना नहीं होगा। मान लो ऑयल की प्राइसेस इतनी ही रहती तो फिर जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी वाइड हो जाता। चलिए आर्टिकल शुरुआत करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी टीटरिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस रिसीव्ड अ जोल्ट ओवर द वीकेंड एज सऊदी अरेबिया कट ऑयल प्राइसेस एंड डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू इंक्रीज आउटपुट वेल बियॉन्ड व्हाट द ऑयल मार्केट कैन अब्सॉर्ब। करंटली डिमांड उतनी नहीं है, फिर भी सऊदी अरेबिया ने कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को जानते हुए, सब कुछ देखते हुए ऑयल की जो प्राइसेस उसको कट किया और ये कहा कि आउटपुट हम बढ़ाएंगे। तो आउटपुट वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जितनी उसकी डिमांड नहीं है। सऊदी अरेबिया लीडर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, और रशिया नॉन ओपेक प्रोड्यूसर है। ऑयल के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ओपेक में आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन जो नॉन ओपेक मेंबर्स हैं जैसे कि रशिया, वो भी काफ़ी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने मिलकर फैसला लिया ऑयल की सप्लाई हम बढ़ा देंगे, लेकिन रशिया ने ये नहीं किया। रशिया ने जो है इस एग्रीमेंट, ये जो दोनों ने मिलकर बात की थी ओपेक मेंबर्स और रशिया ने, कि अब हम सप्लाई बढ़ा देंगे, रशिया इस पर नहीं माना। कहा कि नहीं, हम जो है यहाँ पे आपकी बात नहीं मानेंगे। अब ऑयल प्राइसेस गिर चुके। अब ओपेक क्या होता है, नॉन ओपेक, ओपेक प्लस क्या होता है, वो सब आपको मैं आर्टिकल के लास्ट में बताऊँगा। ऑयल प्राइसेस रातों रात 1/3 पे गिर गए हैं और अब ये अपनी आउटपुट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये जो साउथ अरेबिया है, ऑयल मार्केट काफ़ी डिमांड और सप्लाई शॉक से गुजर रहा है, जो किसकी कीमतों के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है। कोविड-19 के आउटब्रेक ने काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर दिया है ऑयल के प्राइसेस को पिछले कुछ सप्ताह में। चाइना जो कि एक मेजर इम्पोर्टर है, उसने अपनी डिमांड का 1/3 तक वो जो है ले गया है, 1/3 कट कर दिया है सऊदी अरेबिया से लेता था। अब सऊदी अरेबिया और जो रशिया है वो दोनों मिलके अगर प्रोडक्शन मान लो ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से तेल की सप्लाई ज़्यादा होगी, लेकिन डिमांड जो है अभी भी नहीं है, तो प्राइसेस और गिरती जाएंगी। अभी भी करंट लेवल में प्राइसेस गिरेंगी अगर रशिया सऊदी अरेबिया के साथ, अभी तक तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया के साथ ज्वाइन कर लेता और सप्लाई बढ़ाने की बात कर लेता है, क्योंकि रशिया कह रहा है यार सप्लाई बढ़ा के कर क्या लोगे, लोग खरीद नहीं रहे, तुम ज़बरदस्ती। लेकिन सऊदी अरेबिया कह रहा है कि नहीं, ओपेक जो कंट्रीज़ हैं हमने डिसाइड किया कि सप्लाई हम बढ़ा देंगे। तो अगर रशिया भी इसमें मिल जाता है तो यहाँ पे 20 तक भी जो है $20 पर बैरल तक पहुँच सकता है। अब ये बैरल क्या होता है, बैरल आपने देखे होंगे जो तेल के जो जहाज़ होते हैं उसमें जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, एक टंकी टाइप होती है, पानी की टंकी जैसी होती है, वो बैरल होता है। तो उस एक बैरल की कीमत $20 यहाँ पे बताई जा रही है। क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल बेचते हैं ये मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं, कच्चा तेल बेचते हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ये सब कच्चा तेल बेचते हैं, क्रूड ऑयल। और ये भारत में आके और चाइना में ऐसी कंट्रीज में जाके ये प्रोसेस होता है, ठीक है, पेट्रोलियम बनता है, फिर कई चीज़ें जो हैं निकल के आती है। कीमतों में जो गिरावट है वो एक अच्छी खबर है हमारे इंडिया और चाइना के कंज्यूमर्स के लिए, जो कि इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं तेल का।
लेकिन साथ ही साथ एक बुरी खबर है बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के लिए और छोटे छोटे ऑयल प्लेयर्स के लिए जो तेल जो है निकालते हैं। भाई दो तरह के हो गए, एक तो जो लोग ऑयल निकाले, दूसरा जो प्रोसेस करके जो बेचे, जो डिलीवरी विलीवरी करे, जो ट्रांसपोर्ट करे। तो इन कंपनीज का, इन प्रोड्यूसर्स का अगर कोलैप्स होगा तो यहाँ पे यूएस मार्केट्स में गिरावट आएंगी, और अगर स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में गिरावट आई तो फिर जो है मार्केट्स और वोलेटाइल और मर्कियर बन जाएंगे, यानी खतरनाक हो जाएंगे। गुड प्राइसेस भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, ऑयल इम्पोर्ट बिल हमारा घट जाएगा ऐसे समय पे जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन है ड्यू टू द फ्रीज इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूएसए चाइना इकोनॉमी गिर रही है डाउन टर्न में, तो हमारे एक्सपोर्ट तो सफ़र करेंगे ही, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस रहेगा अगर ऑयल की प्राइसेस सही रहती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती तो, वो गिरती है तो उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? एक तो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसको आप फूड इन्फ्लेशन भी कहते हो। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? जो आपके खाने की चीज़ों की होती है, आपके टमाटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो गिर जाएंगी अगर यहाँ पे तेल की प्राइसेस गिर जाती हैं तो। और इन्फ्लेशन गिरने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब अपनी आराम से रेट कट कर सकती है, क्योंकि रेट कट करने का मतलब ये है कि आप जो है बैंकों को ज़्यादा ज़्यादा कम ब्याज में पैसा दे रहे हो और बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को कम ब्याज में पैसा दे रहे हैं, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा बैंक की तरफ लपकेंगे लोन लेने के लिए, लोन लेने के बाद मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। लेकिन जब ज़रूरत हो रेट कट करने की ताकि मनी की सप्लाई बढ़े इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, जो कि कर नहीं रही, तो रेट कट करना होता है, लेकिन उससे पहले ये भी सोचना होता है कि क्या इन्फ्लेशन ज़्यादा थोड़ी है। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो रेट कट करने की एक लिमिट होती है, क्योंकि ज़्यादा कट किए तो हो सकता है मनी सप्लाई बढ़े, इकोनॉमी में ग्रोथ आए, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए, और इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ऑयल प्राइसेस इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, कंज्यूमर्स के लिए, आरबीआई के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए। लेकिन एक बुरी खबर यहाँ पे है जो आप लोगों ने भी नहीं सोची होगी, हम भारत और पेट्रोलियम को, अब आपको पता है कि भारत पेट्रोलियम जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड को हम बेच रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम अगर इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं, आज की तारीख में तेल की कीमत बहुत कम है, जो कंपनियां तेल बना रही हैं प्रोसेस कर रही हैं उनको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो जब किसी कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है और उसको अगर हम बेच रहे हैं तो उसको खरीदने वाला कौन? कोई नहीं। या फिर या तो उसको सस्ते में बेचो, उसको बहुत जो प्राइस है, जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम होगी। भारत सरकार इसको बेच रही थी सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तेल की कीमत गिर गई है तो अब इतना पैसा आने की उम्मीद नहीं है। इन सच एन इवेंचुअलिटी, इस स्थिति में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, यह संभव है कि सरकार मे स्टेप इन टू ग्रैब अ स्लाइस ऑफ द वर्ल्ड फॉल फ्रॉम फॉलिंग प्राइसेस। भाई कीमतें गिर रही हैं तो कंज्यूमर्स को फायदा होगा, आरबीआई को फायदा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट का फायदा होगा, लेकिन करंट अकाउंट जो हमारा उसको फायदा होगा, ठीक है, डेफिसिट जो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन बीपीएसएल को नुकसान होगा। और बीपीएसएल को नुकसान होने का मतलब है कि हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो अब तक गया वो नुकसान। तो कुल कहीं भी देख लो, एक जगह फायदा, एक जगह नुकसान। गवर्नमेंट के पास केवल एक और एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि जो तेल आ रहा है सस्ते में उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दो। 20 रुपये पर बैरल का अगर आ रहा है तो उस पर 100% लगा दो, 50% लगा दो, 30 कर दो उसको, 40 कर दो ड्यूटी लगा के। क्यों? क्योंकि जब ये प्राइसेस एक्साइज ड्यूटी मगर हम लगा रहे हैं तो सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार जो इस पैसे को बीपीसीएल के लॉस में कंपनसेट कर सकती है। भाई बीपीसीएल की अगर वैल्यूएशन कम हुई और कम में बिकी तो नुकसान तो सरकार को है, टैक्स पेयर को है। तो सरकार अगर तेल पे एक्साइज ड्यूटी लगा देगी, आप तेल खरीदने जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि तेल तो अभी भी महंगा ही है, पेट्रोल तो अभी भी महंगा ही है। क्यों? क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा पैसा चुका रहे हैं वो बेसिकली जो और टैक्स पेयर है जिनका पैसा बीपीसीएल की वजह से लॉस्ट हो जाता उसको कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पे दो ट्रेड ऑफ है, एक ट्रेड ऑफ है या तो आप तेल की वजह से फ़ायदा कर लो या बीपीसीएल का फ़ायदा कर लो। तेल में अगर फ़ायदा लोगे तो बीपीसीएल में जो टैक्स पेयर का पैसा इतना गया वो गया, फिर वैल्यूएशन कम गई, नहीं बिकेगी वो, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शन है,
कंज्यूमर जो हमारा मिडिल क्लास है लेकिन वैसा करने नहीं देगा क्योंकि तेल जो है बहुत लोग खरीदते हैं, बीपीसीएल को तो लोगों बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑयल प्राइसेस अगर गिर रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, जो आपके मेंस में या फिर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो, और इंटरव्यू में ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछते ही हैं। बेसिकली ये जो है ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में आता नहीं है, UPSC में पढ़ेंगे नहीं, ये पॉलिटिक्स के ऊपर है, भीम आर्मी और बीजेपी और कांग्रेस जो भी हैं ये हम पढ़ेंगे नहीं। ये हम पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ अ यस टू अ बैंक रेस्क्यू एक्ट। पता है आपको किस तरीके से SBI हेल्प कर रहा है यस बैंक की। अब यहाँ पे सवाल ये उठते हैं, SBI जो पैसा लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है। SBI इसमें 49% स्टेक अगर यस बैंक में खरीदना चाहता है, इतना पैसा 20,000 करोड़ का बताया जा रहा है, अगर वो लगाना चाहता है तो उसको फ़ायदा क्या होगा भाई। यस बैंक अगर कलने को इस पैसे की वजह से ग्रो करता है वापस, जैसे आज वो 5th largest बैंक था, अगर वो ग्रो करता है तो इसके जो डिविडेंड मिलेंगे वो SBI के पास जाएंगे, क्योंकि 49% स्टेक किसके पास, SBI के पास। नेगेटिव ये है कि मान लो नहीं हुआ तो भाई SBI मान लो 20,000 करोड़ रुपये नहीं लगा रही, और भी इन्वेस्टर्स जो कि आए हैं वो आते हैं और कहते हैं कि यार हमारा पैसा भी लो, यस बैंक कलने को बढ़ जाए तो हमें भी प्रॉफिट मिलेगा, नहीं बढ़ा तो कॉस्ट ये है। टाइटल देखो द कॉस्ट ऑफ अ यस बैंक टू अ रेस्क्यू एक्ट। कॉस्ट ये है कि अगर जो हम रेस्क्यू कर रहे हैं यस बैंक का, उसकी लागत ये है कि पैसा जो है SBI में वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो अगर डूब गया, यस बैंक अगर नहीं बढ़ा आगे तो फिर जो है टैक्स पेयर का पैसा डूबना, अभी भी डूब गया यस बैंक में, अभी भी जो है डूबने की आशंका है, लेकिन सरकार ने जो है रिवाइवल स्ट्रक्चरल प्लान जो लाया है उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मदद यस बैंक को मिलेगी, डिपॉजिट सुरक्षित है लोगों का। लेकिन अगर आगे ये रेस्क्यू एक्ट काम नहीं करता तो टैक्स पेयर का पैसा डूब जाएगा, और कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल में। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, जब एक बार रिवाइवल कर दिया उसके बाद क्यों डूबेगा, सरकार के अंधी है क्या, सरकार को क्या पता नहीं है कि एक बार गलती हो गई। देखो दो चीज़ें होती है, जब बीमारी होती है ना, सरकार अंधी तो नहीं है लेकिन सरकार और मतलब करती क्या है कि कोई भी जब बीमारी है तो या तो आप उसके सिम्टम्स दबा दो या आप उसके कॉजेज दबा दो। दवाई जब आप लेते हो तब आप सिम्टम्स दबाने की कोशिश करते हो, यानी जो आपके खांसी हो रही है आप खांसी दबाने की कोशिश करते हो खांसी ना हो, जबकि खांसी हो क्यों रही है इसके लिए आप कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते कि मैंने कुछ गलत खाया था, मैंने वो खाया था, या मैंने कुछ उल्टा सुलटा किया था, या मौसम की दिक्कत, नहीं, खांसी रुक जाए हमें लगता है ठीक हो गए, नहीं, वो चीज़ वो बीमारी दोबारा आ सकती है क्योंकि आपने सिम्टम्स ठीक किए, कोज ठीक नहीं किए। यस बैंक के मैस में कुछ यहाँ पे रेगुलेशन में दिक्कतें हैं जो पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमको करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूँ। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जिन जो सीधे सीधे शेयर जिनके पास होते हैं, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैंने मेरी कंपनी में 10% शेयर लगा रखा है, मेरा दोस्त उसने 20% लगा रखा है, किसी ने 30%, हम सबका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, हमारी कंपनी में शेयर है, हम डिसीजन लेते हैं क्योंकि हमारा शेयर है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। अब एक कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा है उसने मैंडेट कर रखा है जितने भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनको 1/3 टोटल डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट रखना ही है, 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, जो आउटसाइडर डायरेक्टर होता है, जो ना कंपनी के शेयर होते हैं, जहाँ ना कोई कंपनी के साथ रिलेशनशिप होता है, ना कोई कंपनी के साथ रिलेशनशिप होता है, ना कोई कंपनी के लोगों के साथ होता है, उसको बस छोटा मोटा जो है फीस और इस चक्कर में जो सैलरी वगैरह मिलती रहती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों रखा जाता है, ताकि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, मेरा 10% शेयर, मेरे दोस्त का 20% शेयर, उसके भी दोस्त का 30% शेयर, हमने अपनी शेयर की सोची, मान लो कंपनी के 50 शेयर मेरे 3 लोगों के पास है, 50% शेयर, मैं, मेरा दोस्त और उसका दोस्त, बाकी जो 50% शेयर वो पब्लिक के पास है, किसी के पास जो 1% 2% 0% 0.1%, समझ रहे हो, बाकी के जो 50% शेयर है वो छोटे छोटे जो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो खरीद रखे हैं शेयरों में जो स्टॉक मार्केट में बिकते हैं, ठीक है, तो अब वो छोटे छोटे शेयर्स हैं, अब मैं जो काम करूँगा, मैं जो डिसीजन लूँगा वो सोच के लूँगा कि मेरे जो फ़ायदा है वो हो, क्योंकि मैं 10% शेयर है, तो मैं अगर जो डिसीजन लूँगा हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा वो हमारा शेयर देखेगा, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी जो छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स है उनका क्या, तो उनके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाया जाता है,
कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आए, ताकि वो देखे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है गलत काम तो नहीं कर रहे, और इनको इंडिपेंडेंटली एम्बिग्यूसली काम करना पड़ता है, यानी एक तरीके से आज़ाद में काम करना पड़ रहा है, ताकि जो मेजोरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मैं, मेरा दोस्त और उसका दोस्त था, हम तीनों ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार 1/3 हमारा होना चाहिए, और बेसिकली इनका जो है, वैसे तो इनका काम क्लिनिकली होता है, मतलब डिसीजन जो है ऐसे प्रैक्टिकल नहीं लेते, लेकिन ये चेक करते हैं कि डिसीजन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये एक टाइट रोप है, एक कठिन रास्ता है जहाँ पे उसको जाना पड़ता है। अब एक कंपनी प्रमोटर क्या होता है, राणा कपूर जो यस बैंक के जो थे MD और CEO, वो बेसिकली एक तरीके से आप देखो तो कंपनी प्रमोटर भी थे। कंपनी प्रमोटर क्या होता है, कंपनी प्रमोटर बेसिकली एक ऐसा आदमी होता है जो कि, मुझे शायद पक्का पता नहीं राणा कपूर प्रमोटर थे, लेकिन जो है अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली सिलसिला क्या है, कि प्रमोटर जो है बेसिकली वो एक तरीके से, अब प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे नहीं पूछेंगे यस बैंक का प्रमोटर कौन था, MD कौन था, CEO कौन था, पूछेंगे भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताओ, प्रमोटर बताओ। प्रमोटर आप कहोगे, प्रमोटर हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लोज 69 में है ये। इसका मतलब है कि जो आदमी जो यहाँ पे हमारे किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाई हो, या तो उसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, या कंपनी के द्वारा एनुअल रिटर्न में उसका नाम दिया गया हो, जो कंपनी के अफेयर्स में उसका कंट्रोल हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो या नहीं हो, चाहे डायरेक्टर हो चाहे नहीं हो, तो राणा कपूर जो है अगर वो प्रमोटर हैं तो वो शेयर होल्डर भी हो सकते थे, डायरेक्टर भी हो सकते थे, MD भी हो सकते थे, CEO भी हो सकते थे। ये बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, ये एडवाइस देते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब आप बोलोगे यार प्रमोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस देगा, क्या चीज़ है प्रमोटर? प्रमोटर मैं आपको ऐसे बताऊँ, मैं अगर कंपनी चला रहा हूँ, मैंने कंपनी, प्रमोटर का बेसिकली काम क्या होता है, जो फॉर्मेलिटी पूरी करता है, मार्केटिंग, सब्सक्रिप्शन, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हो, स्टार्टिंग कैसे करेंगे बिजनेस में, सारी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट्स, सब बिजनेस को सेटअप करने से लेकर पूरे कंपनी कैसे चलेगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स वाला जो फॉर्मेलिटी वाला काम होता है ना, वो प्रमोटर करता है। क्यों करने दिया जाता है प्रमोटर को ऐसा? क्योंकि प्रमोटर को बेसिकली माना जाता है कि प्रमोटर जो है एक हीरो की तरह होता है। मैंने कंपनी खोली, मैंने कंपनी में कुछ लोगों को शेयर दिए, वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए, मैं कंपनी का, मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं प्रमोटर बन गया क्योंकि मैंने कंपनी को स्थापित किया, सारे कागजी काम मैं करता था, फॉर्मेलिटी मैं करता था, ब्यूरोक्रेट से मैं झेलता था, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन मैं देता था, तो फॉर्मेलिटी जो मैं पूरी करता था बिजनेस को सेटअप करने से लेकर कैसे चलाना है, तो प्रमोटर का रोल काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक एसोसिएशन ऑफ कंपनी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं, वो ना तो एजेंट होता है कंपनी का ना ट्रस्टी होता है, ध्यान रखना एजेंट और ट्रस्टी नहीं होता, वो डायरेक्टर हो सकता है या फिर जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टर हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकता है, ट्रस्टी और एजेंट नहीं हो सकता। अब आर्टिकल में क्या दिक्कत आ रही है कि हमने जो यस बैंक के जो प्रमोटर है और जो राणा कपूर है जो फाउंडर है उनको यहाँ पे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन और बैंकों में ये दिक्कत रहा। अब सारे बैंक में SBI तो पैसा देगा नहीं, निकलने के डूब गए तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं, कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स तो हमने दबा लिए, कॉजेज क्या हैं? तो कॉजेज मैं आपको बताता हूँ कि हमने काफ़ी ज़्यादा इनको छूट दे दी प्रमोटर्स को, और इनको पॉलिटिकल नेक्सस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं बैंकों की जो है डे टू डे अफेयर्स में या फिर लोन वोन वगैरह देने में, और RBI ने इतनी जो है इतने खतरनाक तरीके से RBI जो है इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, तो ये कॉजेस थे। अब करेगा क्या RBI? सबसे पहले तो ये प्रमोटर से काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए हर बैंक के, हर कंपनी के, कि भैया ये जो गलत काम हो रहे हैं ये क्यों हुए, क्या आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है जिनके लिए आप बने हो? भाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है जो आप उनके साथ क्या कॉम्प्रोमाइज किया है, तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको भी संदर्भ में लेना चाहिए और यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो क्या ट्रूली इंडिपेंडेंट है? अथॉरिटीज़ को एक बार देखो, प्रमोटर को हीरो बना दिया जाता है, जैसे अपना इलोन मस्क थे टेस्ला के जो प्रमोटर थे, लेकिन अमेरिका में क्या हुआ, बिल गेट्स हो चाहे टेस्ला के जो इलोन मस्क हो चाहे फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हो, जब भी इन्होंने गलतियां की इनके ऊपर फाइन
और इनको काफ़ी ज़्यादा जो है सुनने को मिला। आपने देखा होगा मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के सीईओ को कैसे पकड़ के पार्लियामेंट में ले गए थे या कांग्रेस में वहाँ की, और उनको कैसे सुना रहे थे और उनकी उनका चेहरा देखते आप जैसे पनिशमेंट उनको दे रहे हो कि आपने क्या किया है। क्या हमारे देश में कभी ऐसा हो सकता है कि इतने बड़ी कंपनी के मालिक को पार्लियामेंट में बैठा के सवाल पूछ सकें? हो सकता है ऐसा, सोचो। तो इस तरीके से हमारे होने चाहिए कि चाहे वो कितना भी फेमस, चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो, चाहे कितनी भी वेल्थ हो, चाहे कितनी भी पावर हो, क्या उनसे हम प्रश्न नहीं पूछ सकते? तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो हमको करनी पड़ेगी। ये नहीं किया, ये कॉजेस थे, और अब पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए लेंडर्स को और बैंक्स में, ठीक है? क्योंकि ये कॉजी नेक्सस जो चल रहा है इतने सालों से, इनकी वजह से ही बैंक जो है वो ज़बरदस्ती लोन दे देते हैं ऐसे लोगों को जो कि पैसा नहीं चुका पाते, क्योंकि नेताओं के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनके संबंध है, ठीक है? कुछ लेसन हमको और सीखने को मिले हैं कि रेगुलेटर जो है उनको कंपनी को पनिश नहीं करना चाहिए। भाई एक कंपनी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स की तो इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन प्रमोटर ने जो है उनको एडवाइस दिया, उनकी पावर दिखा के प्रमोटर ने अपनी जो है गलत तरीके से लोन दिलवा दिया। तो कंपनी को कभी पनिश मत करो प्रमोटर्स के पाप के लिए, कोशिश ये करो कि कंपनी बच जाए, जॉब बच जाए, जो कि किया गया है यस बैंक के साथ। सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, सरकार ने रातों रात जो है रिवाइवल प्लान लग के, हालांकि ये प्लान जो है काम कर जाए, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, सिमिलर से रेस्क्यू प्लान्स जो है वो कंपनीज के लिए भी होना चाहिए, बैंकों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनियों में भी पॉलिटिकली दबाव रहता है। हालांकि कोशिश ये की जाए कि दोबारा ऐसी नौबत आए नहीं, क्योंकि देखो कंपनियां डूबती हैं तो इकोनॉमी भी डूबती है। अब जैसे जेट एयरवेज डूब गई, एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइन, दीवान हाउस फाइनेंशियल कंपनीज, आपकी ILFS थी, रिलायंस कंपनीज थी, ये जब डूबी हैं तो इकोनॉमी को भी साथ में कुछ ना कुछ डूबा के लेके गई हैं। तो यस बैंक का जो फेलर है वो हमारे लिए कुछ लेसन्स लेके आते हैं कि अभी कोई भी हम लेट नहीं हुए रिफॉर्म्स लाने के लिए, अभी भी हम जो है ये ऑटोनॉमी है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की, इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं रिफॉर्म्स ला के, ताकि जो है प्रमोटर ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए कंपनी के लोगों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, पॉलिटिशियंस ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाए, ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाए, ठीक है? हेल्थ स्कीम सेंस क्लाउट, आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है, इसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी कि प्राइवेट, अब देखो आयुष्मान भारत योजना में पैसा कितना लग रहा है, 28,000 से 74,000 करोड़ बताया जा रहा है, 2023 तक तो जो है वो डबल हो जाएगा। इतना कॉस्ट अगर लग रही है तो क्या इस कॉस्ट को हम कम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इनोवेशन करें तो, योजना किसकी? सरकार की। तो क्या इनोवेशन हम सरकार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उम्मीद तो काफ़ी कम है। तो सरकार को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हालांकि चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस क्या क्या हैं वो मैं बात करूँगा। पहले बताते हैं नीड क्या है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की, या फिर इनोवेशन की नीड क्या है एक्चुअली में। क्वेश्चन आ जाए कि इनोवेशन की नीड है हमें आयुष्मान भारत योजना में, हेल्थ केयर सेक्टर में, तो इससे क्या क्या हेल्प हो सकती है? तो देखो सबसे पहली बात तो ये जान लो आप कि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो हैं उनकी वजह से काफ़ी ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरा जो है उतार चढ़ाव हो जाए और पूरी तरीके से जो है कॉस्ट कम हो जाए हर चीज़ की, लेकिन कई सारे सॉल्यूशंस वो दे सकती है। दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कंपनियाँ जो है कई बार टेलीमेडिसिन ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देती हैं, जो सिंपल और जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना भूल जाती हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदा क्या होगा कॉस्ट रिड्यूस करने से, क्या क्या कहाँ कहाँ हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। देखो सप्लाई के मामले में हम कर सकते हैं जेनरिक मेडिसिन। भाई जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? एक होती है कंपनी है जिसने अपनी बहुत मुश्किल से एक मेडिसिन बनाई जो ब्रांड है एक अपने आप में, बहुत महंगी बिक रही है क्योंकि कंपनी ने पैसा लगाया। अब अमेरिका कंपनी थी, मान लो भारत में क्या हुआ, भारत में ये लोगों ने जेनरिक मेडिसिन बना ली, इन्होंने जो है बिल्कुल सेम मेडिसिन बना ली लेकिन वो सस्ती में बिक रही है, ब्रांड कंपनी का नहीं है लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने वैसी मेडिसिन बना ली, जेनरिक मेडिसिन जिसको बोलते हैं, है तो वो वही मेडिसिन ब्रांड वाली लेकिन ब्रांड नहीं है वो अपने आप में, तो वो सस्ती में बिकेगी। तो जेनरिक मेडिसिन भी बना के हम जो है कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं कि वर्क प्रोफाइल अल्ट्रेशन कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, कि भाई जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत हो वहाँ पे डॉक्टर्स लाए जाएँ, जहाँ पे असिस्टेंट की ज़रूरत हो वहाँ पे असिस्टेंट से काम चलाया जाए, तो क्वालिटी तो नहीं घटे लेकिन जो है ज़रूरत जहाँ पे हो वहाँ पे कट की जाए कॉस्ट, तो ऐसे जो है हम कर सकते हैं। और जैसे फिजिशियन असिस्टेंट्स का यूज किया जाए डॉक्टर्स की जगह जहाँ पे ज़रूरत हो, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। मेंस के आंसर के आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। अब जो है और कहाँ कर सकते हैं, पेमेंट सिस्टम में कर सकते हैं कि भाई पेमेंट जहाँ पे होता है जिस तरीके से पेमेंट कंपोनेंट है वो भी, उसमें भी चेंज हम कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से
उस पेमेंट इनोवेशन कर सकते हैं कि उनको भी जॉब लगेगी, हाँ भाई सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है। इश्यूज़ क्या क्या है? सबसे पहली बात तो एक स्मूथ इंटरफेरेंस होना चाहिए। स्मूथ इंटरफेरेंस मतलब स्टार्टअप्स और हॉस्पिटल्स आपस में बात कर सकें। मैं स्टार्टअप हूँ, मेरा स्टार्टअप है, मैं जो है एक ऐसी चेयर बनाता हूँ डॉक्टर्स के लिए जो काफ़ी ज़रूरी हो, मतलब उनके जो है हेल्थ को सही रखेगी, चेयर माल और सस्ते में बनाता हूँ और कंपनियों से, तो मैं ये ढंग से अपने हॉस्पिटल्स को बेच पाऊँ देश के, इसके लिए इंटरफेस चाहिए, चाहे वो ऐप हो चाहे वो वेबसाइट हो, ठीक है। तो, लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा कि ज़बरदस्ती बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। दूसरा चैलेंज हमारे लिए क्या है कि सब्सटेंशियल और स्ट्रीमलाइन इंसेंटिव नहीं है। आज मैं इनोवेशन क्यों करूं? मैं क्यों ये देखूं कि हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इनोवेशन होना चाहिए? मैं क्यों ये देखूं कि कुछ ना कुछ जो है इनोवेशन करके मुझे सरकार के सामने पेश करना चाहिए? जब तक मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगी, जब तक मुझे टैक्स में छूट, जब तक मुझे फ़ायदा, जब तक मुझे नहीं लगे कि हाँ भाई मैं हॉस्पिटल से अच्छे से बात कर सकता हूँ, मुझे भी प्रॉफिट होगा, तब तक मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो जब तक ये एब्सेंस रहेगी सब्सटेंशियल और स्ट्रीमलाइन इंसेंटिव की, तब तक इनोवेशन नहीं होगा, होगा भी तो इनकम्प्लीट होगा, इररेटिक होगा, पीसमील होगा, यानी केवल फ़ायदा उठाने के लिए होगा, ये ज़बरदस्ती दिखाने के लिए होगा। तीसरी चीज़ इशू है डिमांड की। एक तो डिमांड चाहिए सबसे ज़्यादा कि भाई जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन की डिमांड की ज़रूरत हो, डॉक्टर्स कहें काम चला लेते हैं सरकारी अस्पताल में, ऐसा नहीं, डिमांड की ज़रूरत हो। और आयुष्मान भारत योजना की मैं बात करूँ तो ये जो उसका शेयर काफ़ी कम है ऐसे लोगों में जो प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने जाते हैं। भाई मेजोरिटी ऑफ द लोग प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले लोग आयुष्मान भारत में क्यों नहीं करवाते? क्योंकि यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स काफ़ी कम इसको ले रहे हैं और कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है ओवरऑल बिजनेस जो है हॉस्पिटल्स का, उसमें ये भी चैलेंज है इस योजना का। और ये प्राइवेट जो है केयर, प्राइवेट इन पेशेंट केयर भी अच्छे तरीके से इसमें ज़्यादा इसका योगदान नहीं है। बजट रीएलोकेशन भी एक चैलेंज है, बजट रीएलोकेशन भी इसको ढंग से मिले, पैसा भी इसको ढंग से मिले। और एक और चैलेंज है लिमिटेड कवरेज और टारगेट पॉपुलेशन, लिमिटेड कवरेजेस की पॉपुलेशन की, लो यूटिलाइजेशन रेशियोज़ हैं, रेट्स हैं, क्लेम्स रेशियोज़ हैं, यानी कि आयुष्मान भारत में जितने लोगों को ये फ़ायदा उठाना था वो उठा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो यहाँ पे बाबू जो होते हैं वो पैसा मांगते हैं, फिर कई दिक्कत आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ जाती है। और लास्ट जो चैलेंज है वो ये है कि हमारा इनफेक्चुअल हेल्थ केयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्लगिश और इनफेक्चुअल, जो हमारा धीरे धीरे किसकता हुआ जो इनफेक्टिव जो हेल्थ केयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैंने आपको नीड बता दी इनोवेशन की, इस चैलेंजेस बता दिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि ये इनोवेशन हम नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके के इनोवेशन्स आते हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या डेप्थ है उनके उनको ऑपरेशन की, ये सब जो है डिपेंड करेगा इस योजना पे। तो इस योजना को बहुत आगे तक अभी चलना है मेजर प्लेयर बनने के लिए इंडर हेल्थ केयर में, ठीक है। ये जो आर्टिकल है वो हमारा हेथी के ऊपर है, हेथी एक जो है कंट्री है कैरेबियन सी में, ये न्यूज़ में है, तो इसकी लोकेशन हम देखेंगे, लोकेशन के साथ साथ ओपेक के बारे में भी हम जानकारी लेंगे जो मैं आपको बताना भूल गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बगदाद में ये क्रिएट हुआ था 1960 में और बगदाद कॉन्फ्रेंस में ही हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये बेसिकली जो ऑयल मार्केट में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, जो सप्लाई है उसको मैनेज करने के लिए करता है। भाई मान लो डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम कर दो, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा कर दो, जैसे अभी सऊदी अरेबिया कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया अकेले तो करता नहीं है, ओपेक कंट्रीज़ मिलके, वो मिलके डिसीजन लेती है कि हम जो है प्राइसेस सप्लाई कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। फाउंडिंग मेंबर याद रखने हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसके मेंबरशिप कौन ले सकता है? कोई भी कंट्री, कोई भी जो कि ऑयल का सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर है और ऑर्गेनाइजेशन की आइडियल्स को मानता है। ओपेक 2019 की बात करूँ तो 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गबोन, इक्वेटोरियल गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, इक्वेडोर, वेनेजुएला। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ
ये ओपेक मेंबर्स हैं। अब प्रश्न, अब एक तो फाउंडिंग मेंबर्स आपको याद रखने हैं, और ये साउथ अमेरिका में दो ऐसी कंट्रीज हैं जो ओपेक की मेंबर हैं, वेनेजुएला और इक्वाडोर। वेनेजुएला और इक्वाडोर याद रखना, साउथ अमेरिका में पूछ ले कौन सी दो कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर है, तो वेनेजुएला और इक्वाडोर, ठीक है। आजकल नॉन ओपेक कंट्रीज भी यूज न्यूज़ में हैं, जिनको ओपेक प्लस कंट्रीज भी बोला जाता है, ओपेक प्लस, जो कि ओपेक के मेंबर्स नहीं है लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। अब बोलोगे ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो ओपेक के मेंबर्स क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक तो वो ऑयल को एक्सपोर्ट करे और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के आइडियल्स को माने, तब जाके वो ओपेक का मेंबर्स हो सकता है। हो सकता है कि ये जो कंट्री है जो नॉन ओपेक है ये आइडियल्स को नहीं मानते हो। अब इसमें जैसे आपके रशिया आ गया, जो मैं बात कर रहा था शुरू में आर्टिकल में कि रशिया ने ओपेक की बात नहीं मानी, तो रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान, सूडान, बड़ी बड़ी कंट्रीज आपको याद रख लो, मलेशिया, रशिया, ओमान, सूडान, ये याद रख लो, ठीक है, मैक्सिको, ये याद रख लो। बाकी ओपेक कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, फाउंडिंग मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। ये हो गया आपकी हैती, ये जो कंट्री है कहाँ है ये, ये हमारा प्यारा भारत। जब हम वेस्ट की तरफ गए ये आपका अमेरिकन कंटिनेंट, साउथ अमेरिका में अगर मैं जाऊँ, साउथ अमेरिका से ऊपर आप देखो कैरेबियन सी में, देखो कैरेबियन सी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हैती है, ठीक है, इसकी लोकेशन देख लो, क्यूबा पास में है, जमैका पास में है और डोमिनिकन रिपब्लिक के बगल में है हैती, ठीक है, कैरेबियन सी में, याद रखना, ठीक है गाइज। ये थी हमारी वीडियो, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।